नमस्कार दोस्तों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राजकीय महाविद्यालय टोंक। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू का अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम विशिष्ट ऊतक यानी कि श्रावी ऊतक का अध्ययन करेंगे, स्पेशल टिश्यू। दोस्तों, प्लांट बॉडी में स्थित अनेक कोशिकाएं कुछ विशेष प्रकार से रूपांतरित होकर के, संगठित होकर के श्रावी कार्य का संपादन करती है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह होता है उन्हें श्रावी ऊतक कहते हैं, यानी कि स्पेशल टिश्यू कहते हैं। और ये जो ऊतक होते हैं, इन ऊतकों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो सिंगल भी हो सकती है और एक ग्रुप में भी पाई जा सकती है। कार्य के आधार पर इन स्पेशल टिश्यूज को यानी कि श्रावी कोशिकाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्सर्जी कोशिकाएं, या इन्हें एक्सक्रीटरी सेल या एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। दोस्तों, ये कोशिकाएं प्लांट बॉडी में पादपों की उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो उत्सर्जी पदार्थ निर्मित होते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों का सीक्रेशन श्रावण किया जाता है। और इनकी प्लांट में यदि पोजीशन की बात करें तो ये पादप में अधिकतर बाह्य स्थित होती है, यानी कि एक्सटर्नल सिचुएटेड होती है। इसलिए इन ऊतकों को एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यू कहा जाता है। दूसरा आता है दोस्तों, श्रावी कोशिकाएं यानी कि अंतःश्रावी संरचनाएं, सीक्रेटरी सेल्स और इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, इन कोशिकाओं के द्वारा पादपों में जो संचित पदार्थ होते हैं उन संचित पदार्थों का विघटन के पश्चात श्रावण किया जाता है, सीक्रेशन किया जाता है। और पोजीशन की बात करें तो ये कोशिकाएं अधिकतर जो है इंटरनली सिचुएटेड होती है, यानी कि अंत स्थित होती है। इसलिए इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं उन्हें इंटरनल सीक्रेटरी टिश्यू कहा जाता है, जबकि ए में हमने पढ़ा था उन्हें एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यू कहा जाता है, यानी कि एक बाह्य श्रावी संरचना है और दूसरी अंतःश्रावी संरचना होती है। अब हम देखते हैं नंबर ए, बाह्य श्रावी संरचनाएं यानी कि उत्सर्जी कोशिकाएं। दोस्तों, इन्हें पुनः छह कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्लैंडुलर हेयर्स, दूसरा है पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तीसरा है स्टिंगिंग हेयर्स दंशक रॉम, और फोर्थ नंबर पर है ऑस्मोफोर, या इन्हें हम ऑयल डक्ट्स भी कहा जाता है, यानी कि तेल वाहिनियां भी कहते हैं। और पांचवा है जलरंध्र यानी कि हाइड्रोट्स, और सिक्स नंबर पर आता है मकरंद कोष। ग्लैंडुलर रॉम, ये रॉम अधिकतर एपिडर्मिस पर, अधिचर्म पर पाए जाते हैं, और इन रोम के सिरों पर, शीर्ष भाग पर जो है श्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, पाई जाती हैं। और इनके द्वारा एक गाढ़े चिपचिपे पदार्थ का श्रावण किया जाता है। और जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें टर्पिन्स पाए जाते हैं, म्यूसिलेज पाया जाता है यानी कि सिलेस्मा पाया जाता है, यानी कि उस चिपचिपे पदार्थ में खास तौर पर जो है टर्पिन्स और म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं गुलाब की जो कलिका होती है, उन कलिकाओं के सल पर ये पाए जाते हैं। दूसरा होता है जो तंबाकू होता है यानी कि निकोटियाना टैबेकम की जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स के ऊपर इस प्रकार के ग्लैंडुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। बायोला, वनफसा और बोहराविया डिफ्यूजा, इन सभी के जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर भी जो है, फलों के ऊपर भी इस प्रकार के जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पाए
जाते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ। सामान्यतः इस प्रकार की जो ग्लैंड्स होती है, पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो इंसेक्ट ट्रैप होता है, यानी कीटाहारी जो पादप होते हैं, उनमें कीटों को ट्रैप करने के लिए इंसेक्ट ट्रैप, विशिष्ट प्रकार का इंसेक्ट ट्रैप पाया जाता है, उसके अंदर जो है इस प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है पाई जाती है। और इन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करना। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है कीटों के खोल में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करने का ये काम करते हैं। जो कीट इनके ट्रैप में फंस जाता है, उस फंसे हुए कीट पर ये एंजाइम, यानी कि प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है, ये अपनी क्रिया करते हैं और उनका अपघटन करके उन्हें एक सिंपल कंपाउंड में, सरल यौगिकों में बदल देते हैं। इन पदार्थों को कीटाहारी पादप जो है फिर अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि जो सिंपल कंपाउंड्स में बदलते हैं, उन सिंपल कंपाउंड्स को जो है कीटाहारी पादप अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार जो कीटभक्षी पादप होते हैं, जिनके अंतर्गत नाइट्रोजन की कमी होती है, वे सभी अपने नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसकी पूर्ति कर लेते हैं। पाचक ग्रंथियां प्राय बहुकोशिकीय ब्रंत और सिर युक्त होती है, यानी कि इनमें एक ब्रंत होता है और सिर होता है। कभी कभी ये अब्रंत भी होती है, यानी कि नॉन स्टाल पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल्स है इसके ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, डार्लिंग टोनिया, पिंगुइकुला, निफेंटिस, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में केवल जलीय आवास में एक ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पाया जाता है और उसका नाम है यूट्री क्यूलेरिया। तो इसको आप विशिष्ट रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है दंसक रोम, स्टिंगिंग हेयर्स। इस प्रकार के रोम प्रकोपक विषैले पदार्थों का सिक्रेशंस करते हैं। इन रोमों के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं कि ये रोम एक बारीक केशिका नली जैसे होते हैं, जिनका आधारीय भाग ब्लैडर जैसा होता है, जो कि कैल्सिफाइड होता है, और जो ऊपर का भाग होता है वो गोलाकार होता है और वो सिलीफाइड होता है। जो गोलाकार भाग होता है, गोलाकार जो शीर्ष भाग होता है, वह जब किसी कीट के संपर्क में आता है तो उसमें छेद कर देता है, और जो प्रकोपक विषैला पदार्थ होता है, उस विषैले पदार्थ को उस कीट के अंदर छोड़ देता है। कई बार मनुष्य जब इनके संपर्क में आता है तो मनुष्य में इनके द्वारा खुजली, फोड़े या चर्म रोग पैदा हो जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है बिच्छू बूटी, जिसे कहा जाता है यूट्रिका डायोका। इसकी जो पर्ण होती है या इसकी जो तरुण शाखा होती है, उनके ऊपर इस प्रकार के रोम्स जो है पाए जाते हैं। वैसे इस ये जो रोम्स इन प्लांट्स में पाए जाते हैं, इनका प्रमुख कार्य होता है शत्रुओं से इनकी सुरक्षा करना, शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट आता है ऑयल डक्ट्स, या जिन्हें ऑस्मोफोर भी कहा जाता है। ये सीलिया और ब्रश के रूप में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां होती है, जो अधिकतर जो खुशबू वाले फूल होते हैं, प्लांट्स में जो खुशबू वाले फूल पाए जाते हैं, उनके ऊपर ये पाई जाती है। उनका प्रमुख कार्य होता है जो उस फूल में, उस पुष्प में जो महक होती है उसका प्रसार करना, जैसे कि मोगरा, नार्सिसस, ये इसके एग्जाम्पल्स है। जैसे नरगिस भी कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी प्रकार के
सेक्रेटरी स्रावी या स्पेशल टाइप के जो टिश्यू होते हैं उन सभी के एग्जाम्पल्स को एक डायग्राम के तौर पर यहाँ दिखाया गया है, जिसमें पहला जो डायग्राम है, डायग्राम नंबर ए, वो तंबाकू का है वह, और जो बी नंबर का डायग्राम है वह है वायोला का है, और जो तीसरे नंबर का यानी कि सी डायग्राम है ये बोरोविया डिफ्यूजा का है, और डी नंबर का जो डायग्राम है ये निफेंटीज के अंतर्गत पाए जाने वाली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, पाचक ग्रंथियां है, उसे दिखाया गया है, और ई नंबर का जो ये डायग्राम है ये फिंगीकुला की परन पर पाए जाने वाली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का है, और एफ ये जो डायग्राम है ये ड्रोसेरा प्लांट्स की लीफ पर पाए जाने वाली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है उसका डायग्राम है। इसी प्रकार से जो सी सॉरी जो जी डायग्राम है यह है यूट्रिका के ऊपर जो स्टिंगिंग हेयर पाए जाते हैं, दंशक रोम पाए जाते हैं, उन्हें दिखाया गया है। इसी प्रकार से जो एच डायग्राम है यह है एच डायग्राम हाइड्रेथ्रोट्स का डायग्राम है। अभी भी हम नेक्स्ट जो अगली वीडियो आएगी सॉरी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उस स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इस प्रकार से ये डायग्राम यहाँ पर सभी का दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है हाइड्रेथ्रोट्स जलरंध्र। इन्हें हम जल स्रावत करने वाली, जल का सीक्रेशन करने वाली ग्रंथियां भी कहते हैं। जल का द्रव के रूप में सीक्रेशन करने वाली इन ग्रंथियों को जलरंध्र कहा जाता है, हाइड्रेथ्रोट्स कहा जाता है। ये सामान्यतः उन प्लांट्स में पाई जाती है जो नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि नमी वाले स्थानों पर, छायादार स्थानों पर उगने वाले जो शाखीय एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, जैसे कि घास की पर्ण के किनारे, उनके शीर्ष भाग वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, उन पर ये पाए जाते हैं। जलरंध्र एक प्रकार का रंध्र होता है जो कि गार्ड सेल्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है, संरक्षित रहता है, और इसके नीचे वाले भाग में एक बहुत बड़ा वायु प्रकोष्ठ होता है, यानी कि जिसे हम सब स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। इस कोष्ठ के नीचे अनेक पेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है जो ढीले समूह में पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सभी पेरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट होते हैं। इन पेरेनकाइमेटल सेल्स के जो ढीले समूह होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, इन कोशिकाओं के समूह को एपिथेम कहा जाता है। एपिथेम कोशिका में पर्ण सिरा का जो टर्मिनल छोर होता है, यानी कि जो लीफ होती है, लीफ में जो सिराएं पाई जाती है, और उन सिराओं के जो टर्मिनल छोर होते हैं वहाँ पर जा करके इन एपिथेम कोशिकाओं की जो वाहिकाएं होती है वो उन सिरों पर जा करके खुलती हैं, और मूल के द्वारा, जड़ के द्वारा अवशोषित जल मूल दाब में अन्य दाबों के कारण एपिथेम कोशिकाएं का जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, और यहाँ से फिर जल रंध्रों के द्वारा बूंदों के रूप में धीरे 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 वहार उत्सर्जित होता है। जल रंध्रों से बूंदों के रूप में जल का सीक्रेशन होना बिंदुस्राव कहलाता है, यानी कि गटेशन कहलाता है। गटेशन की जो दर होती है वो निर्भर करती है वाष्पोत्सर्जन की दर पर। एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो जलकुंभी है, टमाटर है, या पेस्टिया है, ट्रेपियोलम है, ये या हम कह सकते हैं कि जो घास होती है, घासों की जो पर्ण होती है उनके तटों पर, तो ये सभी क्रियाएं इनमें हमें देखने को मिलती हैं। सामान्यतः जो हाइड्रेथ्रोट्स होते हैं या जलरंध्र जिन्हें कहा जाता है, ये नॉर्मल जो स्टोमेटा होते हैं
वो नॉर्मल स्टोमेटा से भिन्न होते हैं, नॉर्मल स्टोमेटा से अलग होते हैं। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं? पहला अंतर होते हैं कि जो हाइड्रेथ्रोड्स होते हैं, जलरंध्र होते हैं, वो सामान्य नॉर्मल जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनसे बड़े होते हैं। और दूसरा अंतर होता है कि ये स्राव के अंतिम छोर पर, अंतिम स्राव पर जाकर के खोलते हैं, जबकि जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा यानी कि रंध्र नॉर्मली जो है एपिडर्मिस होती है वहाँ पर स्थित होते हैं। और तीसरा अंतर आता है कि जलरंध्र सदैव खुले रहते हैं, हाइड्रेथ्रोड्स सदैव खुले रहते हैं, जबकि एपिडर्मिस में स्थित जो स्टोमेटा होते हैं वो गार्ड कोशिकाओं के द्वारा उनमें खुलने और बंद होने की कैपेसिटी पाई जाती है, जबकि हाइड्रेथ्रोड्स के अंदर इस प्रकार का नहीं होता है, वो हमेशा ओपन रहते हैं। नेक्स्ट, जलरंध्रों के प्रकार के अध्ययन। तीन प्रकार के सामान्यतः जलरंध्र जो है पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है एक कोश के जलरंध्र यानी कि यूनिसेलुलर हाइड्रेथ्रोड्स। ये सामान्यतः एपिडर्मिस कोशिका पर, जो अधिचर्म कोशिकाएँ होती हैं उन अधिचर्म कोशिकाओं पर एक उभरे हुए श्लेष्म की म्यूसेलिजिनस पेपिला के रूप में जो है पाए जाते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है अनामिटा और गोनोकैरियम की जो लीफ होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स है। और दूसरा आता है ट्राइकोम हाइड्रेथ्रोड्स यानी कि ट्राइकोम जल रंध्र। ये सामान्यतः बहुकोशिकीय ट्राइकोम्स जैसे दिखाई देते हैं, जिसके कि दो भाग होते हैं, एक होता है उसका बॉडी सेल्स और दूसरा होता है फोटो। पाद अधिचर्म में गड़ा हुआ रहता है, यानी कि जो फुट होता है वह एपिडर्मिस में गड़ा हुआ रहता है, और जो इसका बॉडी पार्ट होता है वो कोशिकाओं से जल का सिक्रेशन होता है। जो ट्राइकोम हाइड्रोथ्रोड्स होते हैं वो पाइपर नाइग्रम यानी कि काली मिर्च में, फैसियोलस और इसके साथ साथ कॉनबॉन बुलेसी और बिग्नोनियसी जो कुल होते हैं उनके सदस्यों में ये पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार आता है दोस्तों हाइड्रोथ्रोड्स विथ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स यानी कि जल संवहन तत्व युक्त जलरंध्र। इसका अध्ययन हम प्रारंभ में ही कर चुके हैं, प्रारंभ में हमने जो पढ़ा था वो इसी का प्रकार था, जो कि टमाटर, ट्रोपियोका, प्राइमुला तथा घास के लीव्स इन सभी के ऊपर जो है पाया जाता है। ये एपिथेम विथ एपिथेम, एपिथेम युक्त जो हाइड्रोथ्रोड्स होते हैं, जलरंध्र होते हैं, ये सभी एंजियोस्पर्म्स के लगभग, या हम कह सकते हैं 115 कुलों की जो है लगभग 345 जो है स्पीसीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्पेशल टिश्यू का छठा प्रकार होता है मकरंद कोश। शर्करा युक्त गाढ़े शहद और मकरंद का सीक्रेशन करने वाली जो ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों को मकरंद कोश कहा जाता है। ये ग्रंथियां बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से विकसित होती हैं, और इन ग्रंथियों की जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंतर्गत कोशिका द्रव्य, सुविकसित माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें होते हैं, और ये अधिकतर जो पुष्पीय भाग होते हैं, और पुष्पीय भागों में भी खासकर देखा जाए तो वर्तिकाग्र की सतह है, दल के आधार पर और अंडाशय के आधार पर पाई जाती है। पुष्पीय भागों पर उपस्थित जो मकरंद ग्रंथियां होती हैं उन्हें पुष्पीय मकरंद कोश कहा जाता है, यानी कि पुष्पीय भाग पर जो मकरंद ग्रंथियां होती है उन्हें पुष्पीय मकरंद कोश कहा जाता है, फ्लोरल नेक्टेरियस कहा जाता है। और पुष्प के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भी भाग पर ये ग्रंथियां जब उपस्थित होती है तो उन्हें अतिरिक्त पुष्पीय मकरंद कोश कहा जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा फ्लोलर नेक्टेरियस कहा जाता है। दोस्तों
1979 ने मकरंद कोषों को कई प्रकारों में बांटा। एग्जाम्पल्स देखें तो अधिकांश जो कीट परागित पुष्प होते हैं, यानी कि ऐसे पुष्प जिनमें कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उन सभी में केला में, केला, बोटल ब्रश, एल्थिया, गुलखेरा, हिबिस्कस रोजा और रोंडिया, इन सभी के अंतर्गत मकरंद कोष नेक्टेरियस पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।